नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में यार मैं आपको एक ऐसा बंदा दिखाऊंगा यार PUBG मोबाइल के अंदर जिसकी आईडी का लेवल मेरे हिसाब से अब तक का हाईएस्ट है, और मुझे नहीं लगता यार उसके लेवल के आगे अभी तक कोई पहुंच पाया, क्योंकि यार PUBG को रिलीज हुए काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी मतलब एक साल तो लगभग उससे भी ज़्यादा हो चुका है, और आप काफ़ी देर से PUBG खेल रहे हो, अपनी आईडीज को काफ़ी आपने बढ़ा लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा लेवल कर लिया होगा अपनी अपनी आईडी का। तो यार आज ऐसे बंदे की आईडी दिखाऊंगा यार जिसकी आईडी का लेवल मेरे हिसाब से काफी ज्यादा, और मैंने उससे ऊपर आईडी का लेवल अभी तक नहीं देखा। हालांकि यार अगर आपको कोई आईडी मिल जाए यार जिसका लेवल उससे भी ऊपर है, तो करेक्टर आईडी या उस बंदे का नाम डिस्क्रिप्शन में देना, मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लग सके। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम चलते हैं यार इधर ऐड फ्रेंड वाले सेक्शन की तरफ, और उस प्लेयर की आईडी मैंने सर्च मारी हुई है, तो देख पा रहे होंगे सीजन 12 कॉन्करर का फ्रेम लगा हुआ है, नाम है इसका 3D लॉर्ड ब्लैक। तो यार जैसे इसने M4 की स्किन रखी हुई है और जैसे इसने कपड़े डाले हुए हैं, मैं यार 99% कह सकता हूँ ये बंदा कोरियन वर्जन खेल रहा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो ऑरेंज वाली आप M4 की स्किन देख रहे हो, ये कोरियन वर्जन में आप सिल्वर फ्रैग से रिडीम जो है कर सकते हो। मैं खुद कोरियन वर्जन थोड़ा बहुत खेलता हूँ और मुझे पता है कि ये सब कोरियन वर्जन में होता है। तो यार देख सकते हो काफ़ी बंदों ने इसे पॉपुलैरिटी भेजी हुई है, और इसकी आईडी का लेवल 83 है। मैंने आज तक यार मैक्सिमम मेरे ख्याल से 75 आईडी लेवल तक देखा था, पर यार ये बंदे की 83 है, मतलब काफ़ी टाइम ये स्पेंड करता है। इसका क्र्यू देख लेते हैं एक बारी, टॉप गनर्स NA मतलब नॉर्थ अमेरिका के हैं ये बंदे, ठीक है। तो सबके पास ही यार फ्रेम है, तो अच्छी टीम लगती है मुझे एक तरह से। तो यार इसे क्रॉस करते हैं और चलते हैं यार इसके स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आउटफिट्स देख लेते हैं इसके यार। तो इस बंदे ने क्या है, नॉर्मल से आउटफिट पहने हुए हैं, कोई मतलब ज्यादा आप कह सकते हो भड़कीले या कोई ज्यादा मिथिक वाले आउटफिट पहने नहीं है, सिंपल से ट्रेंच कोट पहना हुआ है, बैक की स्किन रखी हुई है, ऑरेंज कलर की M4 रखी हुई है। तो यार अचीवमेंट पॉइंट्स आप देख सकते हो इसके 4180 हैं, और काफी ज्यादा इसने अचीवमेंट जो है वो कलेक्ट कर चुका है। और टायर ओवरव्यू पे जाएं तो यार ये स्क्वाड मेरे ख्याल से बंदा ज्यादा खेलता है नॉर्थ अमेरिका में, और कॉन्करर है, और दूसरा डुओ देखे तो प्लेटिनम, और दूसरे सर्वर्स पे यार ब्रॉन्ज पे है मेरे ख्याल से, सिर्फ ये जो है अपना नॉर्थ अमेरिका का सर्वर ही खेलता है, पिंग उसमें ही सही आते होंगे, बाकी सर्वर्स में यार ये ब्रॉन्ज पे है। तो यार मेरे ख्याल से ये तो एक तरह होना भी चाहिए, क्योंकि कॉन्करर पुश करने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है, और यार वो सारा टाइम इसे देना पड़ता होगा नॉर्थ अमेरिका सर्वर में। और स्टैट्स पे जाते हैं इसके, तो 10 की KD है, और किल्स देख लो यार 2600 के करीब, टॉप 10 484, विंस 329, और मैचेस प्लेड लगभग इसके 540 है, मतलब एक मैच रहता है 540 मैच हो जाएंगे इसके। तो यार मतलब काफी अच्छे स्टैट्स है, हैकर तो नहीं है ये बंदा, लिजिट प्लेयर ही लग रहा है मुझे, क्योंकि यार 10 की KD तो काफी बंदे मेंटेन कर ही लेते हैं। और डुओ पे जाएं तो डुओ पे कुछ खास नहीं है, स्क्वाड पे इसका सारा कॉन्सेंट्रेशन है, और उधर ही सब कुछ कर रहा है, FPP ये बंदा खेलता नहीं है, देख लो सब कुछ 0-0 है, FPP पे आज तक एक मैच नहीं लगाया। और उसके अलावा हम सीजन 11 पे चलते हैं और वो देख लेते हैं सीजन 11 के स्टैट्स। तो देख पा रहे होंगे KD रेशियो 13 का है, और किल्स जो है वो 4000 से ऊपर है, ठीक है, 4150 किल्स के मतलब करीब लगभग आप लगा सकते हो। और उधर अगर हम और नीचे जाए सीजन 10 की तरफ, तो यार उधर 12 की KD है, और इधर 4311 किल्स हैं इसके, और मतलब काफ़ी अच्छा स्टैट्स लग रहा है मुझे, अच्छा प्लेयर लग रहा है। और मतलब यूट्यूब चैनल इसका मेरे ख्याल से ढूंढना पड़ेगा अगर ये चलाता है या नहीं। तो यार सीजन 9 जो है आप देख पा रहे होंगे 11 की KD, और पहले की KD से कम हो चुकी है इसकी KD। तो यार अब हम चलते हैं यार नेक्स्ट चीज के ऊपर, और मैं आपको नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। तो यार अब हम चलते हैं इस बंदे के कैरियर रिजल्ट्स के ऊपर। तो देखो यार अभी यार ये कॉन्करर में माइनस करा के आया, और मैं समझ सकता हूँ इसको कैसा दर्द हो रहा होगा कॉन्करर में माइनस करा के। अगर हम देखें यार इसने सिर्फ 14 मिनट सर्वाइव किया, और इसकी बाकी टीम जो है इसे #2 पे लेके आई है। तो यार बेचारे के काफ़ी माइनस लगे हैं, बुरा लग रहा होगा अभी इसको, उसके पहले इसने यार प्लस कराया और एक और माइनस कराया हुआ है यार, -15 इसने कराया हुआ है। तो देखो इस पर यार सब ने 11 मिनट सर्वाइव किया, और इस बंदे ने 12.8 मिनट सर्वाइव किया, मतलब सबसे ज़्यादा इसने ही सर्वाइव किया है। और यार और देखते हैं, मजा आ रहा है यार इसके माइनस देखने में, क्योंकि यार मुझे खुशी मिल रही है मेरे। ओ 32 माइनस, भाई ये क्या था इसका, मतलब एक मिनट सर्वाइव किया बस इसकी सारी स्क्वाड ने, लगता कोई तगड़े बंदे मिल गए होंगे इनके कंपटीशन के लेवल के। तो यार काफी बुरा लग रहा है मुझे इस बंदे के लिए यार, क्योंकि कॉन्करर में माइनस कराने का दर्द तो काफी ज्यादा होता होगा यार। मैं खुद जब मेरा एस पे माइनस हो जाता है तो मेरी हालत बुरी हो जाती है, ये बेचारा तो कॉन्करर पे माइनस करा रहा है, तो यार मतलब काफी दुख की बात है इसके लिए। तो दोस्तों यार यही था वो प्लेयर यार जिसकी आईडी का लेवल मैं आपको दिखाना चाहता था। यार फिर से बोल रहा हूं, अगर इससे अच्छा कोई प्लेयर, या इससे अच्छा प्लेयर तो नहीं कहूंगा, उसकी आईडी का लेवल जिसका इससे आगे हो, तो आपको अगर ऐसा कोई प्लेयर मिले तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। यार आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।